बात हुई थी। देखिए बात यह है कि शुभम नाम का लड़का है जो कि हिंदूवादी संगठन से जुड़ा हुआ है जी जी, वो जब मेट्रो जामिया मिलिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन पे पहुंचती है जी जी, तो वो वहां पर यहां पर आकर फोटोग्राफी उनकी फोटो ले रहा था चुपचाप। उनको शक हुआ कि हमारी फोटो शायद ले रहा है। उन्होंने जब शक हुआ, जब उसने कुछ फोटोग्राफ्स उनकी खींची, तो उन्होंने इसका फोन चेक करा। फोन जब चेक करा तो उसने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उनकी फोटो डाल दी थी और उसके अंदर ये लिखकर डाला कि ये लड़के मुल्ली हैं और ये क्या कहते हैं माल हैं, माल हैं, ये माल हैं गलत, और ये ठोकने के लिए हैं। इस तरह के वर्ड इनने यूज करा है। लड़के का नाम क्या था? लड़के का नाम है फरीदाबाद का रहने वाला। फरीदाबाद का रहने वाला। मेरा नाम रश्मि है लेकिन ये मेरा असली नाम नहीं है। मैं अपना एक्चुअल आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि उससे मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर चुकी हूँ। हम मुस्लिम हैं। हमने हिंदू हरियाणवी ब्राह्मण से शादी किया था। उनके कहने पर हमने वैसा सब कुछ किया जो एक शायद एक उनके उन्होंने अगर चॉइस किया होता वैसी बहू करती। बट शायद उनके तरफ से और सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड के तरफ से कभी भी वो एक्सेप्टेंस नहीं आया। हम उनके हर चीज़ पे हम बिलीव कर लेंगे लेकिन जो बाद में हुआ शादी के बाद वो बोलने के लिए मतलब अभी भी मेरी रूह कांप जाती है। उनके लिए सिर्फ मैं एक टॉय थी जिसको बोलते हैं कि उनको हर जिसको हर रात वो अलग अलग तरीके से यूज़ करना चाहते थे। वो रात फरवरी 14 मुझे अभी भी याद है। मेरे साथ बहुत अननेचुरल वे से उन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसके बाद मेरे मतलब एक इंटीरियर पार्ट्स में उन्होंने टॉर्च लाइट डाल दी थी। उसी रात मुझे मेरी हैवी ब्लीडिंग शुरू हो गई थी और ये ब्लीडिंग 60 डेज कंटिन्यू रही थी। मुझे कभी समझ नहीं आया। मैं सबसे ज़्यादा मुझे अजीब लगता था मेरे हस्बैंड के ऊपर। जो हम बोलते हैं ना, आप ये बोलते हैं अर्धांगिनी वर्ड बोलते हैं, बट उन्होंने तो उस चीज़ का मीनिंग ही बदल दी थी। मेरा बॉडी है, मेरा राइट है कि मैं हाँ ना बता सकती हूँ। जस्ट बिकॉज वो मेरे हस्बैंड है तो इसका मतलब नहीं है कि मेरी तबीयत ख़राब हो, तबीयत ख़राब नहीं हो। मैं उस कंडीशन में हूँ कि आज कर ये चीज़ एक दोनों चीज़ इंसानों का म्यूचुअल होता है। मतलब हर रात उस तरीके से थप्पड़ मारना, काटना, मतलब दूसरे इंसान को मुड़ के भी नहीं देखना कि उसको तकलीफ हो रही है, ये कोई प्यार नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक बोलते हैं ना कि एक हंगर है, एक लस्ट है, और हस्बैंड वाइफ के बीच में वो चीज़ नहीं होता है। मैं ये लड़ाई तो कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरे को कहीं भी हार मिले। मैं एक चीज़ है कि मैंने सीखा है कि उस इंसान को मैं अगर पनिशमेंट दूंगी तो इंसान कभी दूसरी बार वो शादी करेगा तो उसकी बीवी को ऐसा वो नहीं करेगा। मेरे बात में सच्चाई है तो मुझे कानून आज नहीं कल नहीं बट एक दिन मुझे इंसाफ मिलेगा। वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू। तुम अपनी मुसलमान औरतों को मुशरिकीन के निकाह में ना दो। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलो अअजबकुम। यकीनन एक गुलाम मुसलमान, एक मुसलमान जो गुलाम है वो एक मुशरिक से बेहतर है अगरचे वो मुशरिक तुम्हें पसंद ही क्यों ना आ रहा हो। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ अपनी उन बहनों से जो मुशरिकीन के लव ट्रैप में फंसकर इस्लाम से दूर हो गई हैं, मुर्तद हो गई हैं। देखिए मैं आपका भाई हूँ और आपका खैरख्वाह हूँ, मैं आपके लिए अच्छा ही चाहता हूँ। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तरफ तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, एक तरफ आग है, जहन्नम है, और दूसरी तरफ अल्लाह की जन्नत है, राहत है, हमेशा हमेश की लज्जत है। आप अपने आप से तन्हाई में सवाल करें कि आप किसका इंतखाब करेंगी और आप क्या कर रही हैं। एक तरफ अल्लाह की दावत है जो जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ है, इसीलिए अल्लाह ने जब ये ज़िक्र किया कि मुशरिकीन से निकाह जायज़ नहीं है तो अल्लाह ने ये भी फ़रमाया उलाइका यदउना इलन्नार, क्योंकि ये मुशरिकीन तो वो हैं जो आग की तरफ दावत दे रहे हैं। वल्लाहु यदउ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निह, और अल्लाह तो आपको जन्नत की तरफ और मग़फ़िरत की तरफ दावत दे रहा है। तो वो अल्लाह जो आपसे इतनी मोहब्बत करता है, जो आपको हर वक्त जन्नत की तरफ बुला रहा है, अपनी मग़फ़िरत की तरफ बुला रहा है, क्या आप उस अल्लाह की मोहब्बत पर दुनिया की टेम्पररी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो कि चंद सालों के बाद ही ख़त्म हो जाएगी, कि चंद सालों के बाद ही आपको एहसास हो जाएगा कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने कैसा कदम उठाया, क्या
क्या आप ऐसी मोहब्बत को तरजीह देंगी? याद रखिए, अल्लाह का दरवाज़ा आपके लिए अभी भी खुला है, तौबा का दरवाज़ा आपके लिए अभी भी खुला है। उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी घर वापस आएंगी, हम आपके मुंतज़र हैं।